अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन, आज के हम जनरल साइंस के लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1-5 तक कवर करेंगे। यानी आज के हम साइंस के लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1-5 को डिस्कस करेंगे। सो द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, गिव एग्जांपल्स। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, इनकी वजाहत कीजिए। एनी डिवाइसेस दैट चेंज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो जो आला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गैर इलेक्ट्रिकल यानी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफोन्स, कैमरा एंड स्कैनर्स। यानी कि वो आला जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में गैर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। मसलन माइक्रोफोन्स, कैमरा, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर्स वगैरह। नेक्स्ट इज व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, गिव एग्जाम्पल, इनकी मिसालें दीजिए। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यानी आउटपुट जो आला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी किस्म में तब्दील करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी किस्म में तब्दील करना आउटपुट जो है डिवाइसेस कहलाता है। मसलन मोनीटर प्रिंटर एंड स्पीकर। फॉर एग्ज़ाम्पल मोनीटर प्रिंटर एंड स्पीकर, मिसाल के तौर पर मोनीटर प्रिंटर एंड स्पीकर वगैरह। नेक्स्ट इज नेम सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इन अ सिस्टम। यानी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स के नाम बताएं। रेजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप्स। जैसा कि स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अच्छे से रिव्यू किया हो तो इसमें भी हमने बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, रेजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन एंड चिप्स। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। AC stands for alternating current. The current produced by electrical generator is not an unidirectional. Its directions change again and again after an equal interval of time. Such a current is called AC. AC क्या है? यानी के इलेक्ट्रिकल जनरेटर से पैदा होने वाला करंट एक ही सिमत में नहीं बहता, इसकी सिमत बराबर वक्फों में बार बार तब्दील होती है। ऐसे करंट को जो है क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी एसी कहते हैं। द करंट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर इज नॉट अन इनडायरेक्शनल, इट्स डायरेक्शन चेंज अगेन एंड अगेन after an equal interval of time, such a current is called AC. यानी के electric generator से पैदा होने वाला current एक ही सिमत में नहीं बहता, इसकी सिमत बार बार वक्फों में बार बार जो है वो तब्दील होती है। ऐसे current को हम alternating current कहते हैं। Next and the last question is what is direct current? Direct current क्या है? DC. DC stand for direct current. The unidirectional current that pass in one direction only is called direct current, yani DC. DC kya hai? यानी के बैटरी या सेल से पैदा होने वाले करंट की एक सिमत होती है, इसकी सिमत तब्दील नहीं होती और इसको क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं, यानी के डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका कुछ भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आपको समझ ना आ रहा हो और आप पूछना चाह रहे हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके फर्दर लेसन प्लान के मुताबिक डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।